मैं अक्सर कहता हूं कि लोगों के जीवन में सरकार का दबाव भी नहीं और सरकार का अभाव भी नहीं होना चाहिए। गरीब है उसको लगना नहीं चाहिए कि संकट के समय कोई आया नहीं, अभाव नहीं होना चाहिए, सरकार की जहाँ जरूरत है सरकार होनी चाहिए। लेकिन यह क्या तरीका है, आए दिन सरकार टांग अड़ाती रहे जिंदगी की हर चीज में सरकार। और मैं तो अगर 2047 तक का मेरा मिशन पूरा हुआ तो मान लीजिए मैं हर एक की जिंदगी से सरकार बाहर निकाल दूंगा। सामान्य मानवीय की जिंदगी में सरकार होनी ही नहीं चाहिए, उसको खुली छूट होनी चाहिए अपनी जिंदगी जीने की, अपने सपनों को साकार करने के लिए खुला आसमान उसके लिए छोड़ देना चाहिए। और इसी सोच के साथ हमने ईज ऑफ लिविंग के लिए, जैसा मैंने कहा ना, हमने 1500 कानून खत्म किए, वैसे ही भांति भांति की चीजें सरकार मांगती रहती है। अच्छा ये फॉर्म लाए, ये ले आओ, ये लाए वो ले आओ, वो लाए वो लाए, आपका घर यहाँ है, अच्छा आपके घर के सामने कौन रहता है, ले आओ। यानी ये पता नहीं सरकार में आदत बन गई है। आप जान करके खुश हो जाएंगे, मैंने 40,000 से ज्यादा ऐसे कंप्लायंसेस को खत्म कर दिया और उन्हें बहुत आसान बना दिया है। 40,000 आप सामान्य नागरिक को क्या तकलीफ होती होगी भाई। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि देश के सामान्य मानवी को किसी भी काम के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने ही न पड़े, लाइनों में लगना ही न पड़े। बिजली बिल हो, हाउस टैक्स हो, वाटर टैक्स हो, प्रॉपर्टी का काम हो, स्कॉलरशिप के लिए सब अप्लाई करना हो, ऐसे दर्जनों काम अब ऑनलाइन हो जाते हैं। अब आप रेलवे स्टेशन पर आपको कोई कतार नहीं दिखती होगी, बदल गई दुनिया।